चाय लाऊं सर? फ्री में है क्या? फ्री में है तो ले गया। आप मुझे रुला रही हो क्या? कमाल कमाल कर दिया तुम सर। थोड़ी देर के लिए आपको मिले फिर नेम और फेम मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और वो स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा इन द कमिंग मंथ्स। तो बहुत लोगों का एक मकसद होता है कि इंडस्ट्री मतलब नेम और फेम, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कलाकारों के लिए, न्यू कमर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप तय कर लो आपको नेम और फेम चाहिए या आपको एक कलाकार बनना है। आपने नेम और फेम और कलाकार साथ में यूज किया, या तो आप कलाकार बनो और उसके साथ साथ नेम और फेम मिल सकता है, या तो सिर्फ नेम और फेम के लिए आओ और आपको शायद वो नेम और फेम मिले या ना मिले। बट अगर आप कलाकार बनेंगे, ट्रू कलाकार, जेन्युइन कलाकार, आर्टिस्ट, तो आप जिंदगी भर आर्टिस्ट रहेंगे, सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे। नेम और फेम के लेवल्स अलग होंगे, डिग्रीज, और नेम और फेम मिल सकता है, लेकिन नेम और फेम के मकसद के साथ अगर आप आएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है। 6-8 महीने के लिए नेम और फेम मिल सकता है। कोई भी चीज, कोई भी इश्यू पे आप नेम और फेम प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या करोगे? आपकी कलाकारी, आपका जो क्राफ्ट और उसके ऊपर जो मेहनत करने को आप तैयार हो, वो नेम और फेम पे कम मेहनत करो, नेम और फेम मिल जाएगी, बट कलाकारी पे मेहनत करो। बहुत लोग फेमस बनने के चक्कर में भूल जाते हैं कि आखिर में आप एक्टर हो, आपको डिलीवरी करना है कैमरा के सामने। यू हैव टू नॉट जस्ट लुक गुड, यू हैव टू परफॉर्म।